हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, स्टॉक मार्केट में आज के सेशन में हाहाकार मचा हुआ है, ब्लड बात हो रहा है, कहीं ना कहीं खून की होली, कहीं ना कहीं पैसा खून की तरह बह रहा है आज के सेशन में मार्केट में। और ऐसी मार्केट जहां पे इतनी बुरी तरीके से फियर है, पिटाई है, उसमें एक टेक्निकल ग्लिच और आ जाए, इनफैक्ट ग्लिच तो आप नहीं कह सकते, टेक्निकल इशू आप कह सकते हैं, और आ जाए तो दिक्कत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये वीडियो अभी तक देख चुका है, मतलब 30-35 सेकंड की वीडियो ये मात, तो सबसे पहले आप वीडियो छोड़ के एक चीज समझ लें, अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल कर रहे हैं तो प्लीज आप मार्केट रेट से ना करें, लिमिट लगा के करें, क्योंकि स्टॉक का अपडेट नहीं हो रहा है प्राइस। हालांकि अब स्टॉक का प्राइस अपडेट हो रहा है, इंडेक्स लेवल पे नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं अपडेट कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में। तो प्लीज आप किसी भी स्टॉक में अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो लिमिट लगा के करें, मार्केट रेट से ना करें, क्योंकि अगर आप मार्केट रेट से करते हैं तो पता नहीं आप कौन से रेट से माल उठा लेंगे, इससे आपका लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो बढ़ सकता है, तो ये आप समझ लें, ठीक है। आज की वीडियो होने वाली है मेरी अल्ट्रा टेक शेयर पे, सीमेंट सेक्टर पे से स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है हम सभी को कुछ टाइम से, और आज के सेशन में तो पूरी मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट है, तो स्टॉक ऑब्वियसली गिरने ही थे। क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी? अगर मैं बोल भी दूं बाइंग अपॉर्चुनिटी तो शायद आप नहीं खरीदोगे यार, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक तो फियर इतना बड़ा हुआ है, ऊपर से पैसा किस पे है भाई। मेरे जैसे लोग आके हर एक दिन कह रहे हैं मार्केट में गिरावट में खरीदने का मौका, अबे भाई कितनी गिरावट में खरीदने का मौका, अभी एक हफ्ते पहले जब 800 पॉइंट गिरी थी तब कहीं ना कहीं 16-200 का टिक लगाया लोगों का, उसके बाद खरीदने का मौका, अब 1500-800 आ गई तो पब्लिक का पैसा कितना बचेगा यार, चला ही जाता है वो कहीं ना कहीं। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जो फंड लगाया है, अगर आपका स्टॉक अच्छा है, आपने थोड़ा भी कंपनी को समझते हुए पैसा लगाया, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जितनी करेक्शन ये मार्केट में हो रही है, मैं ये तो नहीं कहूंगा यहां से ज्यादा नहीं गिरी, गिर सकती है, बट आपका पैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट में करेक्शन बहुत आई है, और मेरे सामने आज तक दो करेक्शन मैं देख चुका हूं। एक तो कहीं ना कहीं 2016-15 में मार्केट करेक्ट हुई थी, वो देखी थी मैंने, और सेकंड अभी कोविड में करेक्शन आई है वो देखी थी, बाकी छोटी मोटी बीच में आती रहती है, और ये जो आई है अभी से मिलाओगे आप तो 3000 पॉइंट्स की अराउंड अराउंड मार्केट में करेक्शन हो जाएगी, अगर 200 पॉइंट और चली जाती है तो, और 3000 पॉइंट करीब करीब आपका 20% के करीब हो जाएगा, 18-19, 3600 भी होगा, 16-17% है, तो यहां से भी 4% तक और टूट सकती है मार्केट, 20% तक करेक्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया करेक्शन हो गया और हेल्दी करेक्शन। अब आप कहें यार हमारा पैसा डूब रहा है, हम खरीदते गिर रहा है, तो वो होगा अगर आप अभी पैसा लगाओगे आपका लॉस देखेगा, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो ये पैसा आपका बड़ा बनेगा। और दूसरी जगह अगर आप आज बेचते हो, कल खरीद रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, या आज खरीदा कल बढ़ गया, कल ही बेच दिया आपने गिरने के डर से कि परसों फिर गिरेगा, तो आप छोटा वाले ही पैसा कमा लोगे, लेकिन आप इस छोटे पैसा कमाने में एक बड़ा पैसा छोड़ दोगे, प्लस आप बीच में एक लॉस भी ले लोगे जो कि बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्वालिटी स्टॉक उठाओ और होल्ड करो। क्वालिटी स्टॉक्स की बात करो तो अल्ट्रा टेक पे मैंने आप सभी को जब 6100 पे था तो बाय रिकमेंड करा था, मैं बिल्कुल याद रखता हूँ अपनी बात को, और थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में रिकमेंड करा मैंने 6100 पे, और मैंने आपको SL दिया मात्र 75 और 50 पॉइंट्स का, जो कि ट्रिगर हो गया, सेम डे ट्रिगर हो गया, मेरी जिस दिन वीडियो थी उस दिन ट्रिगर हो गया, कोई नहीं एग्जिट कर दिया। देखो अभी हमारे बच रहे हैं 350 पॉइंट अगर ट्रिगर हुआ है तो, और आपने कराया तो ठीक, क्योंकि एक 6000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ब्रेक करा। बट मैं एक चीज और कहता हूँ कि मार्केट में ये अल्ट्राटेक को अभी छोड़ दो एक सेकंड के लिए, मार्केट में अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ऊपर में, मार्केट के चलते मींस कि आज जैसे मार्केट करेक्ट हुई है, मार्केट एक तरीके से मार्केट के साथ गिरे हैं स्टॉक, तो आज के सेशन में कोई भी लेवल ब्रेक हो रहा है ना, तो वो सपोर्ट ब्रेक नहीं है, वो मार्केट की वजह से नीचे आया मेरे भाई, फियर की वजह से नीचे आया। अगर मार्केट ठीक हो, स्टॉक अपने लेवल ब्रेक कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से जो ये 6000 के नीचे ट्रेड कर रहा है अल्ट्राटेक सॉरी गाइस, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा आप खरीद लीजिए, क्योंकि भाई मेरे कहने का मतलब बनता ही नहीं है, आपके पास फंड हो ना हो, आपने ऑलरेडी खरीद लिया हो, या कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड चीजें, आपका मन ना हो, आपको डर लगने लगा हो, तो ऐसे में आपसे कहूंगा डरो मत, आपके पास फंड हो धीरे धीरे लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, बट आपके पास जो है वो बेको मत, लॉस बढ़ेगा आपका, अभी छोटे मोटे कुछ टाइम बढ़ेगा, लेकिन आप क्या करो, FD समझ के लॉक कर दो,
और 6 महीने का टाइम दो, आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आए ना आए, लेकिन आपका जो ये लॉस है ये बहुत हद तक रिकवर हो जाएगा। और आप बुक करके चले गए तो आप समझ लो ये लॉस आपने घर लेके गए, लेकिन यही लॉस आपका अगर वापस दे दे आपको मार्केट तो वो बेटर चीज है। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अभी अल्ट्रा टेक के बारे में बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ। 5,750 रुपीज के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो लगाया है। देखिए सीमेंट का लीडर है, हमारी ग्रोथ कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं इस टाइम फोकस है गवर्नमेंट का। आपने सबने L&T को ऑर्डर मिलते हुए सुना होगा, भाई ऑर्डर काम कैसे होंगे कंप्लीट जब तक सीमेंट नहीं लगेगा, तो सीमेंट की डिमांड दबा के है, ठीक है। A to Z रियलिटी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, रियलिटी मतलब रियलिटी सेक्टर में तेजी है, मतलब घर लोग खरीद रहे हैं बना रहे हैं। अब भाई घर बनेगा कैसे जब तक सीमेंट नहीं लगेगा, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो कहीं ना कहीं आपको सीमेंट सेक्टर में लॉस हो रहा है तो छोड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या ACC हो या फिर वो मिड कैप से डालमिया भारत हो या फिर वो आपका अंबुजा सीमेंट हो, ठीक है, व्हाटएवर। तो आपके लिए जो मेरे लेवल्स निकल के आएंगे वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए फाइनेंशियल थोड़े से आपके साथ मैं शेयर करूंगा अल्ट्राटेक के। टेक्निकल्स पे अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सारे लेवल्स ब्रेक कर चुका है, क्योंकि मार्केट में ही कहीं ना कहीं गिरावट है। और सीमेंट सेक्टर पिछले कुछ 4-5 दिनों से तो ऐसे गिर रहा है जैसे मतलब वो होता नहीं है कि आसमान छत से फेंक दिया, वो बीच में कोई स्टॉप ही नहीं, सीधे धड़ाम उस तरीके से गिर रहा है, ये छत से ही फेंक दिया है। अब मैं आपको बताऊं 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, पैट है FY21 5,500 का, 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों 13-14% के करीब के। डेट कंपनी पे कम है, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो गया है। आपको अर्निंग पर शेयर देखा जाए आपको 30 के PE पे स्टॉक मिल रहा है यार, 30 के PE पे, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग्स शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो 60% प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास 15.74 है, DIN म्यूचुअल फंड के पास 15.15% है, और रिटेल वालों के पास 9% है। तो आप ये भी कहीं ना कहीं एक शानदार है। अच्छा अभी मैं इसके बारे में और आपको कुछ बताना चाहूँ, स्टॉक ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाएगा पिछले कुछ टाइम से, बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का हीरो है। 9,000 रुपये तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाता है, इनफैक्ट माफ करना 8,000 तक, और स्टॉक 10 साल के रिटर्न आप देखोगे तो बहुत ही शानदार है। 1,400 रुपये वाला शेयर कहीं ना कहीं ऊपर में 8,000 रुपये का लेवल लगा चुका है, अगर अभी भी देखोगे तो भी काफी शानदार है, ठीक है। डिविडेंड डील नहीं है ना के बराबर समझ लीजिए, बट ये स्टॉक मुझे लगता है अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ से आपको 7,000 और 7,500 तक के, जो कि यहाँ से करीब करीब आपको 20% का रिटर्न बनता है, उसके लिए होल्ड करना चाहिए। बाय भी कर सकते हैं आपके पास फंड है तो, धीरे धीरे करें। बस ये होगी मेरी वीडियो अल्ट्राटेक शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।